अगर मैं पाकिस्तानियों के बारे में अगर एक सच बात कहना चाहूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होगी कि हम बहुत ही हिपोक्रेट किस्म की कौम है। हिपोक्रेट मतलब मुनाफिक। मुनाफिक वो जो सामने कुछ और पीछे कुछ और बात करता है। उसका रीज़न मैं इस तरीके से, मेरा मतलब एज ए पूरी कौम नहीं कर रहा, मैं हम एज ए व्यूअर्स की बात कर रहा हूँ। एज ए व्यूअर्स जो है हम वाकई में बहुत हिपोक्रेट और मुनाफिक किस्म के लोग हैं। क्यों? क्योंकि हम इंडिया को गालियाँ बहुत देते हैं, दुश्मन है हमारा, सबसे बड़ा दुश्मन है, अमेरिका से मिला हुआ है, इससे मिला हुआ है, हमारी जंग होनी चाहिए, कश्मीर आज़ाद कराओ, ये कराओ, वो कराओ, हम बहुत बातें करते हैं। न्यूज़ में मुस्तकिल हमारी यही बातें चल रही होती हैं कि भाई पाकिस्तान से, इंडिया से जंग करो, इंडिया को ख़त्म करो, ये और वो। लेकिन अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि हम पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा कॉन्टेंट जो है वो इंडिया का ही देख रहे होते हैं तो शायद इससे आप कोई एग्री नहीं कर सकता। और जो है ये मैं खुद नहीं कह रहा, ये यूट्यूब की तरफ से मैं आपको प्रूफ दूंगा कि कहूँ हम पाकिस्तानी जो है मुनाफिक हैं। और अगर कंटेंट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हमें इंडिया के ही कंटेंट पसंद आता है। मैं हूँ पठान अकलीम और आप देख रहे हैं ओरिजिनल पाकिस्तानी। तो भाई म्यूज़िक कंटेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म अभी मौजूद हैं, उसमें कोक स्टूडियो, पेप्सी, बैटल ऑफ द बैंड जो कि अभी चल रहा है, पाकिस्तान स्टार, ऐसे बहुत ज़बरदस्त हमारे फोक म्यूजिशियंस हैं, पटारी है जो बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है और उस पर बहुत अच्छा काम हो रहा है म्यूज़िक के हवाले से। लेकिन अगर मैं आपको बात बताऊं कि हम पाकिस्तानी देखते जो कंटेंट है, म्यूज़िक कंटेंट है, कोई ख़ास कंटेंट नहीं है। मैंने भी सारी वो ट्रेंडिंग वीडियोस देखी हैं जो म्यूज़िक में हमारी इस वक्त चल रही है पाकिस्तान के अंदर। सबसे ज़्यादा जो देखे जाने वाली, सुने जाने वाली म्यूज़िक वीडियो जो पाकिस्तान में हम लोग देख रहे हैं, वो उनमें से तकरीबन 96-98% कंटेंट हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया का देख रहे हैं और सुन रहे हैं। अब इसके वजह, आई डोंट नो क्या वजह है, हाँ उनका शायद कंटेंट हमसे अच्छा है, बट हम लोगों ने फेसबुक पे हम ही लोग शेयर कर रहे होते हैं कि यार देखो ये पाकिस्तान ने हमारे ये सॉन्ग चुरा के करे हुए हैं, पाकिस्तान ने हम इंडिया ने हमारे ये सॉन्ग चुराए हुए हैं, उसको इस तरीके से रेप्लिकेट किया हुआ है, उसका ऐसे रिमिक्स बनाया हुआ है, उसके ये चीज़ करा हुआ है। हम ये बातें बहुत प्राउडली करते हैं, लेकिन हमारे जो अच्छा कंटेंट है, म्यूज़िक का कंटेंट है, वो हम नहीं देख रहे होते। इसी वजह से हमारे बहुत सारे जो इतने बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो ख़त्म होते जाते हैं, लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे होते। पाकिस्तान आइडल जियो ने स्टार्ट किया था, बहुत घटिया था कंटेंट, लेकिन एटलीस्ट इट वाज अ गुड इनिशिएटिव। अगर उसका सीज़न 2, सीज़न 3, सीज़न 4 आता है तो उसमें किसी किस्म की बेहतरी होती रहती और पाकिस्तान से बहुत अच्छे जो म्यूजिशियंस हैं वो आगे आते, सामने आते। मैंने अपनी वीडियोज़ जो हैं वो साजिद अब्बास जो फाइनलिस्ट थे पाकिस्तान आइडल के, उनके बारे में, ही इज़ वेरी डिसहार्टेड कि यार पाकिस्तानी कंटेंट जो है हम पाकिस्तानी जो है वो नहीं देख रहे होते, उस पर हम बात नहीं कर रहे होते। तो अभी मैं आपके सामने एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि यूट्यूब के ट्रेंडिंग के हिसाब से कौन कौन सी वीडियोज़ हम लोग देख रहे हैं, और ये वो सारी वीडियोज़ हैं जो हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं और कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तानी बैटल ऑफ द बैंड का सीज़न चल रहा है, उसकी 4th या 5th एपिसोड चलना शुरू हो गई, 8 टॉप बैंड्स भी आ गए, लेकिन हम लोग जो है वो देख इंडिया कंटेंट रहे हैं, इंडियन कंटेंट देख रहे हैं और उसी को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम खुद, आप एक चीज़ मैं आपको बात कर देता हूँ, एक तो आप अब इंडिया के कंटेंट को अप्रिशिएट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इसके अलावा आप खुद उनको पैसे दे रहे हैं गूगल के थ्रू। जितना आप यूज़ कर रहे हैं, जितना आप देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, आप उनको पैसे खुद ही दे रहे हैं, और वही फिर आप ज़रा सी कोई बात होगी तो आप इंडिया को बुरा करना शुरू कर देंगे, इंडिया बुरा है, इंडिया दुश्मन है, इंडिया ये, इंडिया वो है। भाई आप लोग खुद ये हरकतें कर रहे हैं, आप खुद सोचें, समझें कि हाँ आप एक बंदे को दुश्मन मान रहे हैं, आप उसको गलत कह रहे हैं, वो आपका दुश्मन है, आपके पीछे लगा हुआ है, आपको आलमी तौर पे आपको नुकसान पहुंचाने की हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप बैठ के देख रहे हैं इंडियन कंटेंट है। क्यों इंडियन जो यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं? इसी वजह से, क्योंकि उनका कंटेंट दुनिया भर में देखा जा रहा है, पाकिस्तानी कंटेंट इतना नहीं देखा जा रहा है। इसके मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ, आप गूगल ट्रेंड्स और ऐसी बहुत सारे टूल्स हैं, जब आप जाकर देखें तो पाकिस्तानी कंटेंट को इतना नहीं देखा जा रहा है, इंडियन कंटेंट को देखा जा रहा है। इवन पाकिस्तान के अंदर भी इंडियन कंटेंट को ही देखा जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो ये है एक मुनाफ़त की बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है जो हम पाकिस्तानी जो हैं, क्या कहते हैं, खुद हम पाकिस्तानी जो हैं वो सामने पेश कर रहे हैं। मैं अगेन, मैं म्यूज़िक नहीं सुनता, मैं ज़्यादातर म्यूज़िक अगर सुनता तो मेरे पास जो है वो क्या कहते हैं, कोक स्टूडियो से बहुत ज़बरदस्त मेरे पास आपदा परवीन है, जिनको मैं बहुत शौक से पसंद करता हूँ, उनकी वीडियो सुनता हूँ। बहुत से ऐसे पठारी में बहुत ज़बरदस्त काम किया हुआ है, बहुत बेहतरीन काम किया हुआ है, उनकी म्यूज़िक मैं सुनता हूँ, उनकी मैं देखता हूँ। या इसके अलावा मैं हॉलीवुड स्टार्स की वीडियोज़ देख रहा होता हूँ, उस पर मैंने वीडियोज़ भी बनाई, लेकिन इंडियन कॉन्टेंट के ऊपर मैं इतनी वीडियोज़ नहीं बना रहा होता। हाँ, मैंने ये भी नहीं कह सकता कि मैंने कॉन्टेंट पर वीडियोज़ नहीं बनाई, रिएक्शन दिए, लेकिन वो भी सिर्फ आप लोगों की वजह से नहीं, क्योंकि आप लोग देख रहे होते हैं। आज मैं बात करूँ सिर्फ म्यूज़िक के, म्यूज़िक पे बात करूँ, कल मैं परसों एक और वीडियो बनाऊँगा, उसमें दिखाऊँगा कि हम कौन सी मूवीज़ जो हैं वो हम देख रहे हैं। ऑफकोर्स अगर हम इसी तरीके से, हमारी इंडस्ट्री तबाह होती जाती है, इसी तरीके से हमारी जो अभी एक नया
दिस इज़ अ वेल न्यू फील्ड जो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूट्यूबर्स, और दूसरी चीज़ है इसमें भी हम आहिस्ता आहिस्ता पीछे होते जाते हैं। उसकी सिंपल सी वजह है आप लोग हैं, आप हमारा कॉन्टेंट नहीं देखते, हमें लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, तो यही होता है, एक छोटी सी चीज़ है। और हमारे जो यूट्यूबर्स हैं वो इस चीज़ को, बड़े जो यूट्यूबर्स हैं बड़े, वो इस चीज़ को प्रमोट नहीं करते हैं, शायद उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती कि यार इफ़ यू सपोर्ट योर, जो अभी न्यू जनरेशन वाले यूट्यूबर्स हैं तो वो सपोर्ट हम करेंगे तो हम खुद आगे जाएंगे। हमारे ये होता है कि यार इसको क्यों आगे आने दो, इसको क्यों पीछे आने दो, दैट्स वेरी एक मुनाफ़कत की बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। मुझे एक हाँ अफसोस है क्योंकि मुझे भी सब्सक्राइबर नहीं मिलते, लाइक्स नहीं मिलते, शेयर्स नहीं मिलते, लेकिन यार एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो कि सपोर्ट कर दो, एक सब्सक्राइब का बटन है, कितने पैसे लगेंगे उसमें, वो अगर आप कर दें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट ये है कि आप एक अपने जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं आप उनको सपोर्ट करोगे, उनको लाइक करोगे, उनको इनकरेजमेंट दोगे। ऑफकोर्स जब तक मैं इन वीडियोस बना के कुछ कमाऊंगा नहीं तो मैं उस पर लगा कैसे सकता हूँ, मैं उसको बूस्ट कैसे कर सकता हूँ, या कोई अच्छा इक्विपमेंट कैसे ले सकता हूँ। तो गाइज प्लीज़ सपोर्ट पाकिस्तानी कॉन्टेंट, पाकिस्तानी चीज़ों को देखें, उन्हें लाइक करें, उन्हें सपोर्ट करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे तो एक अच्छा फिनिश प्रोडक्ट भी आपके सामने लेकर आएंगे। पाकिस्तान में बहुत टैलेंटेड लोग, बहुत ज़बरदस्त और बहुत क्रिएटिव माइंड लोग मौजूद हैं। ये आज का मेरी वीडियो थी, इस वे आई होप आपको अच्छी लगी हो, शायद बुरी भी लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दिएगा। अगर कोई बात बहुत बुरी लगी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा, उसके ऊपर मैं आपको रिएक्शन या जवाब सर्व करूँगा। तो मैं हूँ पठान अकलीम, आप देख रहे हो ओरिजिनल पाकिस्तानी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।